नमस्कार लक्ष्मीकांत त्रिपाठी मालकानगिरी जिला प्रतिनिधि संघर्ष आम जो जगार अच्छे ये हूँ छत्तीसगढ़ सुकमा जिला। सुकमा जिले में आंदोलन सांबादिक संघर एक विराट प्रकार आंदोलन अगस्त मास 9 तारीख दिन एक योजनामूलक भाव सांबादिक को फसवा घटना को नहीं आरंभ होता यह आंदोलन घटनाटी कौन संपूर्ण रूप आम बुझा जो अगस्त 9 तारीख दिन छत्तीसगढ़ पाली चलाचल हो आंध्र को जाऊला यही खबर गणमाध्यम पाखे प्रकाश पाइला गणमाध्यम सीधा जाए पहुँचला चोरा चलाणकारी पाखे चोरा चलाणकारी पाखे पहुँचला धस्तधस्ती घटनाटी जो पुलिस पाखे पहुँचला पुलिस एवं चोरा चलाणी मधुचंद्रिकार बली पड़ जाते सांबादिक बंधु मैंने सांबादिक बंधु को गंजेई और अन्यान्य कारबारे पिछ माली मकदमार छंदी ताकु दीर्घ दिन जेल रखिला घटनाटी गणमाध्यम प्रकाश पाइला तीव्र तल आंदोलन होता छत्तीसगढ़ में आंदोलन होता ओडिशा में आंदोलन होता यह विषय रायपुर छत्तीसगढ़ जो राजधानी थी रायपुर में विराट आंदोलन होता बर्तमान सांबादिक मानने गणधारे बस संपूर्ण घटनाटी कौन कौन घटी आम सहित तो तमाम सांबादिक अच्छा विभिन्न संगठन रिन्न सांबादिक विभिन्न पत्रकार आम सहित अच्छे आम सहित अच्छा मालकान जिला जो मालकानगिरी यूनियन अफ जर्नालीस्ट जो संघ अच्छी संघर सभापति आम सहित अच्छा पचारि बुझा घटनाटी कौन आमती घटना आज्ञा नमस्कार देखु जो अगस्त मसने जो बापीर एवं छत्तीसगढ़ आउ तीन जन सांबादिक छत्तीसगढ़ पुलिस गोटे प्लान कर आंध्र पुलिस जोड़ा कि छत्तीसगढ़ बॉर्डर रे एनडीपीएस केस अरेस्ट करा जाइथिला किछि दिन परे आंदोलन परे समस्त प्रोटेस्ट कला परे चारिटा राज्य आपणकर आंध्र प्रदेश तेलंगाना छत्तीसगढ़ ओडिशा समस्त मिलित भाव प्रोटेस्ट कला परे सरकार बाध्य हुई एनडीपीएस एक्ट रे जोटि की वर्ष रही कथा जेल रे किंतु सरकार बाध्य गोटे एक मास मध्य बेल किंतु ये जो केस जो सत्यता उपरे माने सरकार आपरे गोटे माने सीबीआई इंक्वायरी वर्तमान चार्टा राज्य स्टेट आज सुकमा ठारे एकत्रित एकत्रित होवार कारण जो बापीर एवं चारि जन छत्तीसगढ़ सांबादिक विरुद्ध में जो मिथ्या मकदमा कर सीए मिथ्या मकदमा कर आंध्र पुलिस हो छत्तीसगढ़ पुलिस हो एगेन्स्ट कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण कर जो सीबीआई तदंत कर इनवल्वमेंट अच्छे नचे ये आंदोलन को सारा भारत वर्ष स्प्रेड करू एवं दृढ़ प्रतिरोध करू जो दिन पर्यंत आर सीबीआई इनक्वारी होना से दिन पर्यंत आंदोलन को आम जारी रख समाज चतुर्थ स्तंभ गणमाध्यम उपरे किभली भावरे पुलिस योजना मुताबक आक्रमण आक्रमण परे फसिथिले चारि जन गणमाध्यम सांबादिकता करूथिबा चारि जन प्रतिनिधि आम सहित तमाम प्रतिनिधि अच्छा जो मैंने फसी आम सहित से भी से भितर जी अच्छा जी मुख्य माने से माने अपराध कर जो भाया माली मकदार जो फसी प्रमुख सी अच्छा आम सहित बापी रही अच्छा पचारि बुझा घटना टी कि घटी आज्ञा नमस्ते घटना घटे तो अगस्त 9 तारीख में जो चोरा चलान हो रहा था छत्तीसगढ़ यांग्रा तक तो फसाया और जो फसाने का जो तारीखा था वो तारीखा था ये था तस्करी होती है आंध्रा ने तेलंगाना हैदराबाद कोंटा कर रही थी तेलंगाना के हैदराबाद में जाता अवैध रूप से और इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन कौन था पुलिस प्रशासन कुछ बोला नहीं माइनिंग विभाग चुप था सब चीज है स्वाभाविक रूप से इसलिए चुप गए कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत है और इस खबर को बनाने हम गए थे तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होती इसलिए हमारे गांजा डाल के हम लोग पत्रकार साथी सड़क पर है वो वापस बुलाया उनको जा रहा है जेल गए थे 24 दिन तक जेल थे हम लोग थे लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जेल रिहाई में हमारे पत्रकार साथी उड़ीसा के आंध्र के तेलंगाना के छत्तीसगढ़ के महाराष्ट्र के पूरे आदिवासी समाज सर्व आदिवासी समाज सभी समाज इसके अलावा सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने पूरी तरह से समर्थन दिया जिसका लाभ ये हुआ मैं 24 दिन के अंदर रिहा हुआ।
जो घटना घटी संपूर्ण गणमाध्यम आंदोलन में बसते संपूर्ण घटना कौन कौन घटना पचार बुझे मैडम नमस्ते हुआ जिसमें चार पत्रकार गए हुए थे जिनको पुलिस और रेत माफिया के द्वारा पत्रकारों को फंसाया गया है और सिविल जांच और मांग कर रहे हैं। पत्रकार संघ जन वरिष्ठ कार्यकर्ता घटना घट रही क्या मांग कर रहे हो सरकार से? सबसे बड़ी मांग तो ये है कि हमारे जो पत्रकार साथी हैं उनको बिना किसी शर्त के बिना किसी बात के बाई इज्जत बरी किया जाए। आंध्र प्रदेश सरकार से, तेलंगाना सरकार से, छत्तीसगढ़ सरकार से सबसे ये हमारा निवेदन है और मांग है दी जाए और पत्रकारों को बाई इज्जत बरी किया जाए। धन्यवाद। तो आम सहित आज जन वरिष्ठ पदाधिकारी अच्छा जे राज्य स्तरीय सांबादिक एकता को नहीं लड़ुं तो पचारि बुझा घटना टी कौली भाव में घटी बर्तन तर बर्तन जो छत्तीसगढ़ जो मांग अच्छी पत्रकार आईन पत्रकार सुरक्षा दृष्टिकोण से कौन कह आज नमस्कार। पत्रकार का जो विभिन्न समय में बार बार आक्रमण हो रहा है, कभी ना कभी कोई जेल भेज देते रहे पुलिस वाले, बहुत सारे आक्रमण तक पंथा जो लेते हैं, तो क्यों ऐसे हो रहा है पत्रकार और कोई किसी को नहीं पत्रकार के ऊपर क्यों हो रहा है? लोकतंत्र में सबसे पहली बात कि पत्रकारों को चौथा स्तंभ माना गया है और इसी तारतम्य में जब किसी भी खोजी रिपोर्टर को अपने कार्य क्षेत्र में जाकर कुछ सच्चाइयां सामने लानी होती है तो जो आपराधिक प्रकरण में शामिल होते हैं, चाहे खनन माफिया हो चाहे और भी लोग हों, वो पत्रकारों को विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित करते हैं, दबाव बना, और पुलिस प्रशासन भी शायद उनका साथ देती है और इसी प्रकार झूठे प्रकरण में बापी और साथियों को फंसा करके उन्होंने गांजा केस में जो है अपराधी बनाया, जो न्याय थी गलत और शर्मनाक एक हादसा था हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए और हम ये चाहते हैं।